आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर कश्मीर घाटी के बारामुल्ला पट्टन से, जहां आज डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टी के प्रधान गुलाम हसन मीर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आज कश्मीर घाटी में पूरी तरह से अशांति फैली हुई है, जिसकी मुख्य गुनहगार राज सरकार है। राज सरकार को चाहिए इस खून खराबे को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। आइए सुनते हैं। रियासती जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त चाहे बॉर्डर्स पे देखें हम, चाहे कोई जगह जाएं, हर जगह कर सिर्फ कत्ल गारत का माहौल जारी है। इस वक्त वक्त की अहम ज़रूरत है, बातचीत इंटरनल लेवल पे भी करने की ज़रूरत है। जो बॉर्डर्स पे तनाव है, बॉर्डर्स का तनाव, रियासती सरकार का रोल इसमें कुछ नहीं, ये मरकजी सरकार को पाकिस्तान से टेकअप करना है, ताकि जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं वो अमन की ज़िंदगी गुजार सकें। पैलेट की गोलियां चलें या रबड़ की गोलियां चलें, ये हमारा नौजवान गोलियों का हकदार नहीं, हमारा नौजवान अमन का हकदार है, अमन का नौजवान इज्जत का हकदार है, अमन का हमारा नौजवान रोज़गार का मुतलाशी है। चाहे पैलेट हो, चाहे रबड़ की गोलियाँ हों, हम इस सब को नकारते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम गोलियां नहीं चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, हम बंदूक नहीं चाहते हैं, हम वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, इसी के लिए हम मुतलाशी। ये थी बारामुल्ला पट्टन से राही निसार की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।